राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। महंगाई के मुद्दे को लेकर जिले के कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ 5 मिनट का चक्का जाम कर जताया विरोध। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आज जांजगीर के नेताजी चौक में जिले के कांग्रेसियों ने मानव श्रृंखला बनाकर 5 मिनट का सांकेतिक चक्का जाम किया और महंगाई कम करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री व जिला कांग्रेस संगठन प्रभारी अर्जुन तिवारी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी प्रजातांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाली पार्टी है। हमारा निरंतर यह प्रयास रहा है कि प्रजातांत्रिक तरीके से हम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार तक अपनी बात पहुंचते रहे हैं। यदि हमारे बातों को हमारे प्रयासों को नज़रअंदाज किया गया तो आने वाले समय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जैसा भी निर्देश होगा उन निर्देशों का पालन करते हुए कांग्रेस पार्टी जमीन स्तर पर जाकर आंदोलन करेगी। छत्तीसगढ़ जानकारी नवागढ़ राजापाटा से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, पिछले 5 साल उसके बाद 2 साल तब से लेकर के आज तक जीवन की जो महत्वपूर्ण उपयोगी चीज़ें हैं डीजल पेट्रोल केरोसिन अन्य जरूरी जिन्सों की कीमतों में लगातार वृद्धि होते जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिन मुद्दों को लेकर के सरकार बनाया था उन सारे मुद्दों को कॉरपोरेट घरानों को सौंपने के बाद उन जरूरी जिन्सों की ओर उनका ध्यान नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, आदरणीय राहुल जी के निर्देश पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी जांजगीर चांपा के द्वारा आज पूरे ज़िले में चक्का जाम करके ध्यान आकृष्ट करने का कोशिश किया गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार उन जरूरी जिन्सों में कीमत में कम करे ताकि आम उपभोक्ताओं को उससे लाभ मिल सके। इन्हीं बातों को लेकर के आज जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में यह चक्का जाम पूरे जिले में आयोजित किया गया था। उसी परिप्रेक्ष्य में नेताजी चौक जांजगीर में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रजातांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाली पार्टी है। हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि प्रजातांत्रिक तरीके से हम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के तक अपनी बात पहुँचाते रहें। यदि हमारे बातों को हमारे प्रयासों को नज़रअंदाज किया गया तो आने वाले समय में जैसा निर्देश होगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का उन निर्देशों का पालन करते हुए कांग्रेस पार्टी जमीन स्तर पर जाकर के आंदोलन करते रहेगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।